ये छांगामांगा में मैं मौजूद हूँ। छांगामांगा पार्क है, जंगल भी कह सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बनाने लगा हूँ कि ये बोर्ड लगा हुआ है इनकी हिस्ट्री का। आप अभी मैं आपको पढ़कर सारा सुनाता हूँ। इसकी खास बात ये है कि ये दो भाई थे डाकू, छांगा और मांगा, उनसे मंसूब है। अभी मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ वापस से चलने वाला। जी तो ये छांगामांगा की हिस्ट्री है। आप छांगामांगा पार्क में आएंगे ना तो हिस्ट्री ऑफ छांगामांगा का ये बोर्ड लगा हुआ है। जंगल 1866 में लगाना शुरू किया गया। छांगामांगा दुनिया में सबसे कदीम तरीन नहरी ज़खीरा है। इसका पहला मकसद रेलवे इंजनों के लिए ईंधन फराहम करना था। ये ज़खीरा जो कि बैन अवी शहरत का हामल है, ये तहसील चूनिया में लाहौर से 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसमें कुदरती तौर पर जंड, करीर, बेरी और वन वगैरह के दरख्त उगे थे। 1888 तक ज़खीरा के बेशतर हिस्से में शीशम लगाई गई, बाद में तूत, सिंबल, बकायन, पॉपुलर, पपर, मलबरी, सफ़ेदा, सरस, विल्लू और बांस के दरख्त भी लगाना शुरू कराए गए। ये ज़खीरा छांगा और मांगा दो डाकू भाइयों के नाम से मंसूब है। ये दोनों इस इलाके में 18वीं सदी में रहा करते थे। चल इसका कुल रकबा, इसका कुल रकबा इधर है 12,510 एकड़ है। 1888 ता 1936 के दौरान पंजाब की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ईंधन और टम्बर की मांग पूरी करने के लिए शीशम लगाना मकसूद था। शुरू में जंगल को आरजी कुएं खोदकर पानी लगाना शुरू किया गया। बाद में नहरी निज़ाम शुरू होने पर इसे बकायदा सबसे पहले नहरी ज़खीरा बनने का एजाज मिल गया। 1936 के बाद वस्ती एशिया और चीन से हिजरत के आने वाले परिंदों, जिसमें तलीर सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से यहाँ से तूत उगना शुरू हो गया, जिसे बाद एक बाकायदा फसल की काश्त शक्ल में लगाना शुरू किया गया। तूत की काश्त से जंगल में दो मंजिला जंगल की बुनियाद रखी गई, जिससे सियालकोट में खेलों के सामान में इस्तेमाल होने वाली कुल लकड़ी का बेशतर हिस्सा जंगल के तूत और टिम्बर से ही पूरा किया जाता था। अलावा अजीम मुल्क भर में फैली हुई प्लाई वुड, चिप बोर्ड, विन बोर्ड और माचिस बनाने वाली फैक्ट्रियों की जरूरत की लकड़ी, जिसमें शीशम, सिंबल और पॉपुलर शामिल है, इसी जंगल से पूरी हो रही है। जंगल छांगामांगा जंगल को 1960 में कौमी पार्क बनाया गया। सयाहों की तफरी के लिए महताबी झील, चिड़ियाघर, कश्तियाँ, लकड़ी के हिट हट, झूला, पुल, महताब महल, छतरियाँ, ग्रासी प्लाट, क्रिकेट डॉन, चिल्ड्रन पार्क, ओपन शेड और बेंच मुहैया किए गए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए रेस्ट हाउसेज का मुनासिब इंतज़ाम है। झील से मुतसिल जंगली हयात की अफजाइश नस्ल के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, जिसमें हिरन, नील, गाय और मोर मौजूद हैं। जंगल में कई किस्म के जानवर पाए जाते हैं। जंगल में हर किस्म का शिकार ममनू है। छांगामांगा जंगल में सयाहों की दिलचस्पी का मरकज भाप से चलने वाली वो कदीम इंजन है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ छांगामांगा जंगल में चल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह लाखों की तादाद में आते हैं, जिनको छांगामांगा से महताबी झील तक ले जाने के लिए फास्ट ट्रेन चलाई जाती है, जो छुट्टी के अलावा भी बाकी दिनों में स्पेशल बुक करवा कर इस्तेमाल की जा रही है। फास्ट पार्क का कुल रकबा 153 एकड़ है, जिसमें बच्चों के झूले, क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड जैसे सयाहों की सहूलत के लिए मुहैया किए गए हैं। पार्क में आने वाले सयाहों के लिए एक खूबसूरत कैफेटेरिया भी मौजूद है, जहां पर अशियाए खुर्दनोश मैसर रहती हैं। महकमा जंगलात कसूर फॉरेस्ट डिवीज़न। तो ये भाप से चलने वाला इंजन है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ छांगामांगा में मौजूद था। मेरी आवाज़ नहीं जानी उतनी मिलती है। ये पूरी दुनिया से छांगामांगा सिर्फ मौजूद सी, और पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं था। ये बिल्कुल भाप से चलने वाला। और जो डाकू थे ना दो भाई छांगा और मांगा, उधर उनका जिक्र हुआ है, वो ऐसे ही ट्रेन जब गुजरती थी ना ऐसे ही, तो इधर से तो उनको ही लूटते थे, इधर ही रहते थे। ये पार्क भी उन्हीं के नाम से फिर मंसूब हुआ है। ये पटरी है ट्रेन की, ये छोटा इंजन अभी भी ट्रेन को लेकर चलता है, जो भाप से चलता है। बस मैं आपको फिर बताने लगा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में है बस, और तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा इंजन अभी नहीं है मौजूद। ये इनका टिकट का शेड्यूल लिखा हुआ है, ये टिकट सिर्फ इतवार और सरकारी तत्काल के लिए है। भी इतवार की छुट्टी होती है ना सरकारी, उसके अलावा जो कहीं भी आपको सरकारी छुट्टी आएगी ना, तो ये ट्रेन चलेगी, उसी दौरान आप ये टिकट खरीद सकते हैं। आज तो इतवार नहीं है, लेकिन मैं फिर हम आए, अगर इतवार होता तो मैं आपको दिखाता भी टिकट का सारा शेड्यूल और ये इंजन वगैरह का। तो ये पटरी है, ये पार्क के अंदर ही है, अंदर ही घूमते हैं बस। नहर है, पंजाब दरियावां की धरती,
ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਵੀ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਕਸੂਰ ਫਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਲ। ਆਪ ਆਏਗੇ ਨਾ ਇੰਟਰ ਹੋਏਗੇ ਗੇਟ ਸੇ ਸੀਧਾ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਰਸਤੇ ਸੀਧਾ ਯਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਕੋ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਉਨਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ। ਤੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਤਾਰ ਹੀ ਬੰਧਾ ਹੁਆ, ਤੋ ਬਲ ਨੀਚੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਕੋ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਜਬ ਆਪ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਬ ਇਹ ਝੂਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਸਕੋ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਫਿਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਝੀਲ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਝੀਲ ਹੈ, ਝੀਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਜੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਤੋ ਉਸਸੇ ਆਪ ਸੀਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗੇ ਤੋ ਇਹ ਆਗੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਫਰਾਦ ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਅਫਰਾਦ ਕਾ ਇਕੱਠੇ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਉਸਕੋ ਹੈ। ਤੋ ਸਪੋਰਟ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰ ਪਰ ਹੀ ਐਸੇ ਖੜਾ ਹੁਆ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਆਪ ਤੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰ 8 ਅਫਰਾਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਇੱਧਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਸਿਲਵਰ ਰੌਕ ਸਾਇੰਸੀ ਨਾਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਾ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ। ਤੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਭੀ ਉਨ ਪਰ ਨਾਮ ਉਨਕਾ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹੈਂ। ਫੁੱਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਕੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪ ਫੁੱਲ ਲਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਫੁੱਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਆਪ ਇਨਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਤੋੜੇਂਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਸਖਤੀ ਸੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੋ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਯੇ, ਆਪ ਗਲਤੀ ਸੇ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਯੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਛੋੜ ਡਾਲੇਂਗੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਅਭੀ। ਕਿਸੂਰ ਮੇਂ ਪਾਰਕ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਂ। ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਨਕੇ, ਪਾਰਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਫਾਸਟ ਗਾਰਡਨ, ਫਾਸਟ ਗਾਰਡਨ। ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਮਹਤਾਬੀ ਝੀਲ ਸ਼ਰਕੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਹੀ ਹੈ ਯੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਝੂਲੇ ਸਭ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਆਪ ਕਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨਾ, ਕੰਟੀਨ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ ਪੁਲ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਲੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ। ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਰੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ।
जो सरकारी अफसर आते हैं उनके लिए। आजा। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा अफसर आएगा तो वो अगर इधर ठहरना चाहे तो इसी रूम में उसको वो बोलेंगे आप इधर ठहर जाएं। ये साथ में इसका प्राइवेट ही लॉन बना हुआ है, झूले वगैरह अंदर लगे हुए हैं आप देखें। तो रूम तो माशाल्लाह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये फॉर रेंट नहीं है। ये देखें ना, ये भी वही है जो मैंने उधर आपको दरख्त दिखाया, पीछे भी एक बार लिखा हुआ था। ये गेस्ट हाउस, इधर आप रूम रेंट पर ले। मैं अभी पता करता हूँ रूम रेंट पर क्या हिसाब है पर डे के लिए। तो अभी मैं इसके नज़दीक नहीं जा रहा ज़्यादा वीडियो लेकर, क्यों उधर वो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है तो कॉपीराइट का मसला है। तो मैंने इसलिए इधर से ही खड़े होकर वीडियो बनाने में बेहतरी समझी है। मैं उधर जाकर पूछता हूँ रेंट क्या है, फिर आपको बताता हूँ। ये पार्क के अंदर ही है, पार्क में आप मीटर हो गए अपनी बाईं तरफ। तो ये मैंने दिखाया आपको लाग हट, तो ये ही है इधर। इधर रूम नहीं है, आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। अगर भाई एक दिन दो दिन तीन दिन की आप स्टे कर लें तो ऐसा रूम वगैरह इधर नहीं है, आपको ये ही मिलेगा लागट। ऐसे रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, बस उनमें वाशरूम की सहूलत है, लेकिन वो भी 2000-3000 रुपए मांग रहे हैं दो तीन घंटे का भी। दूसरे लफ्ज़ों में यार वही बात है कि दो नंबर आते हैं ना इधर जोड़े, उनके लिए ही उन लोगों ने बस अपनी तरफ से ऐसे इसलिए नहीं ना दे रहे हैं रात रात के लिए, दो तीन घंटे के लिए इसलिए दे रहे हैं चोरी से। तो चलो दो तीन घंटे के लिए आपको चाहिए तो आप ले लो। वैसे फैमिली वाले जो हैं वो क्या करेंगे दो तीन घंटे के लिए, वो तो अगर लेंगे तो वो गेस्ट हाउस है ना, वो तो रात के रात चलो स्टे करते हैं, व्यू अच्छा है देखते हैं, सुबह चले जाएंगे। ये आप दरवाजे से आएंगे ना तो ये बिल्कुल सामने है। ये जो सड़क है टफ टाइल लगी हुई है, ये बिल्कुल इंट्रेंस गेट है ना जो उधर से जाती है सीधी, बिल्कुल आपको इस तरफ पार्क मिलेंगे, झूले मिलेंगे, सामने बिल्कुल वो नहर वाला पुल आता है झूला पुल, इस तरफ जाएंगे आपको वो गेस्ट हाउस वगैरह, जो गेस्ट हाउस तो नहीं है लगता है ऐसे ही है, वो भी कंटीन वगैरह ही है। बस आएंगे ना छंगा मंगा, ये रास्ता है पीछे से, इधर से आप आएंगे ना तो सामने आपको ये बोर्ड लगा छंगा मंगा फॉरेस्ट पार्क, इस तरफ जाएंगे वो गेट है पार्क का, उधर आप अंदर चलेंगे। ये बाएं तरफ जाएंगे ये नहर का पुल क्रॉस करके सामने वाइल्ड लाइफ पार्क छांगा मंगा टिकट घर, इधर हरन वगैरह हैं वो अभी देखते हैं इधर क्या है। तो पार्क तो हम पार्क में भी जाएंगे वो भी देखेंगे। तो ये मैंने टिकटें ली हैं इधर से, ये तीन टिकट उन लोगों ने इसलिए दी हैं कि दो टिकट तो हमको लेने ही पड़ेंगे, टू पर्सन है। तो एक टिकट बाइक भी अंदर लेके आए, वो अंदर ही खड़ी की है, तो उसका भी एक टिकट। तो अभी देखते हैं अंदर क्या। तो ये है जी ग्रीन फैज नट, आपको ये फ्री में मिलेंगे देखने को सब। यही गवर्नमेंट की जो पार्क होती है ना खासतौर छांगा मांगा जो है, इन इधर तो खासतौर में यही मौज है, बाकी आप कहीं भी जाएंगे वो प्राइस लेते हैं, तो चीज़ें भी ऐसी नहीं होती हैं। अहमद मेरा प्रा क्या, ये बंदर है जी, मैं दूर से इसलिए बना रहा हूँ कि ये हमको देखा छाल लगाएगा, इधर से बनाएंगे। पैन गल सुनो, गल बड़े पैन गल तो सुनो, ले उतान चढ़ गया। अरसा हया 30 साल हमल पांचवा ग्रुप की तरफ से रहते हैं जिसमें 20 के करीब मादा होती हैं। अच्छा ये इनके बारे में लिखा होता है। अच्छा है पैन नर ने जी, वेख लो नर जे वेख लो जी। ये इधर और नस्ल है जी, ये भी बंदर है, ये और नस्ल है। पाइन क्या हाल है, ठीक है। इधर देखो कैमरे की तरफ देखें, प्लीज कैमरे की तरफ देखें, थोड़ा मुस्कुराएं, बच्चे पीछे हो जाओ। ये दोनों नर हैं, मादा नहीं है इनके साथ, अभी निकाली है या क्या है। ये देखिए एमरल्ड मोर, एमरल्ड ये परिंदा जावा ग्रीन मोर और ब्लैक शोल्डर
मोर का क्रॉस ब्रेड है ये मोर, अपने सब्ज सुनहरी और तेज़ रंग की वजह से बहुत रंगदार नज़र आता है। ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जी तो ये सफ़ेद मोर आपने तो देखे हैं, सब्ज़ मोर वो बहुत खूबसूरत हैं। ये सफ़ेद मोर है, ये नर है ये वाला, और वो दोनों मादी हैं। जी तो ये हरण है इधर, ये देखें, इधर हरण है ये सब। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे दूसरा हरण है, ये सिंगों वाले हैं, तो वो आगे सिंगों के बगैर भी हैं, और बड़े वाले जो बारह सिंग हैं जिनको हम बोलते हैं वो भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने खड़े हुए हैं। एक नज़दीक जाने का इतना रास्ता नहीं है, दूर से ही आपको देखने पड़ेंगे बस। ये देखें, ये हैं जी बारह सिंगे, ये इनका सरदार बैठा हुआ है, और ये बाकी जो हैं। तो इधर ना मोर ने अभी अपने पंख खिला रहे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये माता को देखकर ना, ये देखें, ये माता के पीछे है अभी, ये माता को देखकर ही खिलाते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पीछे से, ये नर नर है नर। अभी ये नीचे कर रहा है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। आया ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछों में वीडियो बनाई, ये तो ये मोर आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। ये मस्त है, मस्त से मुराद अभी मादा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मादा को अपनी तरफ रागब करने के लिए ऐसे करते हैं, तो ये सीन आप कभी कभार देखेंगे, तो ऐसे नहीं है कि ये आपको दिखाई दे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये बाई चांस हम इधर आ गए तो ये आगे से वो मादा, ये देखें पीछे से।